এই মালাউনের দলেরা একজন মুসলিম বাবাকে তার সন্তানের সামনে কিভাবে নির্যাতন করছে একবারে ভিডিওটি দেখুন, চোখে পানি চলে আসবে। আরএসএস ভারতে কতটা তাণ্ডব চালাচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সামান্য প্রমাণে ভিডিওতে তুলে ধরা হলো। যদিও এ সকল খবর ভারতের মিডিয়া কখনোই প্রচার করে না, বরং উল্টো আরএসএস ও বিজেপির পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবসময় সংবাদ প্রচার করে তারা। আরএসএস বলছে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য দরকার হলে মুসলিমদের কচুকাটা করবে, হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক হিন্দুকে অস্ত্র ধরতে হবে, প্রত্যেক হিন্দুর হাতে একটি করে তলোয়ার থাকবে, প্রত্যেক হিন্দু যুবকের হাতে একটি করে AK-47 রাখতে হবে মুসলিমদের মারার জন্য। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है, हर हिंदू के हाथ में। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने को हो सकता है, देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। सारा जीवन पाप करार जन्म जन्म ने गोल टूपी वाला रहा। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। मोदी जी, हाथ जोड़कर निवेदन, जो फ्रीडम आपने हमारी आर्मी को दिया है हमें भी एक 10 मिनट के लिए फ्रीडम दे, 10 मिनट के लिए हमें फ्रीडम दे दे, नो अरेस्ट नो FIR, सिर्फ 20 मिनट का टाइम दे दो। अरे 20 मिनट नहीं तो नहीं, कम से कम 10 मिनट का टाइम दे दो। नो FIR नो अरेस्ट। अरे हम तो मरने वालों में से है, और जो व्यक्ति मरता है तो 100 को लेकर मरता है। पृथ्वी सकल मुस्लिम देर बाप आमी एकाई, अकेले नहीं मरता है, क्योंकि इन हरामियों का इतिहास क्या है? अरे कहां से आए हो, क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो सारत मौलाद है, और मैं अकेला कैसा उनका बाप हुआ बताओ? इनका इतिहास 1400 साल का, करेक्ट है ना? इनका इतिहास 1400 साल का, और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हम हिंदुओं का इतिहास लाखों करोड़ों साल का, तो ये किसकी औलादे हैं भाई? किसकी औलादे हैं ये? बेटा बाप है हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है और बेटा। तो आज के बाद अपने मन में एक बात लिखो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देश द्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे, तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे तो भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए हैं? বর্তমান সময়ে তালেবানকে নিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশ যতটা উগ্রবাদী সংবাদ ও টকশো প্রচার করছে, তালেবানকে নিয়ে তারা যতটা প্রতিবাদী সংবাদ প্রচার করে, ভারতের মুসলিমদের নির্যাতনের সংবাদ প্রচারের সময় তারা পুরোটাই উল্টো কাজ করে।
এই মালাউনের দলেরা একজন মুসলিম বাবাকে তার সন্তানের সামনে কিভাবে নির্যাতন করছে একবারে ভিডিওটি দেখুন, চোখে পানি চলে আসবে। এই সব মালাউনকে একটা কথাই বলবো, আল্লাহ ছেড়ে দেয় কিন্তু ছাড় দেয় না। ঠিক যেভাবে ফেরাউন ও তার দলবলকে সাগরের মাঝখানে একত্রে ধ্বংস করেছিল, ঠিক সেভাবেই তোদেরও সবাইকে একত্রে করে ধ্বংস করবে।